द एस एच एम एफ पार्टिकल इज गिवन बाई वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉज ओमेगा टी, द एम्पलीट्यूड इज. अब देखो सबसे पहले तो मेथड वही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस, बिकॉज पाई बाय टू का डिफरेंस आ गया. तो आप यहाँ पे ए बनाओगे साइन ओमेगा टी, इधर बी कॉज ओमेगा टी या बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, एंड लेट दिस एंगल इज अल्फा. हाइपोटेनियस इज गिवन बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई इन डिवाइडेड बाई द हाइपोटेनियस, वाई इक्वल टू ए, इसको बाहर ले लो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर ले लो, और यहाँ पे लिखोगे ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोज ओमेगा टी, ब्रैकेट क्लोज, वाई इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फ्रॉम द डायग्राम ट्राइंगल वी कैन से इट इज कोज अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस साइन अल्फा कोज ओमेगा टी. सो वाई इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. सो दिस फंक्शन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द अल्फा, यू विल से मी अल्फा इज नोन एज द इनिशियल फेज. इट इज इनिशियल फेज. व्हाट इज, हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अल्फा? फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन से टेन अल्फा इज गिवन बाई बी अपॉन ए, और अल्फा इज गिवन बाई टेन इनवर्स बी अपॉन ए. ओके, दिस इज द वन थिंग. एंड अनदर मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलवेज, दैट इज अ फेजर ट्रिक. इन द फेजर ट्रिक फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ए साइन ओमेगा टी, देन दिस इज बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, दैट इज कॉस ओमेगा टी. Then this is the hypotenuse resultant r, and we all know r can be written as root a square plus b square, and this angle is alpha. So you can use this method or this method, but answer will be same. Amplitude is given by root a square plus b square.